जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण सभी मित्रों को। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वह कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें स्वप्न में देखने पर हमें असल जीवन में धन का लाभ होता है। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कई ऐसी वस्तुएं भी होंगी जो आपने भी अपने स्वप्न में ज़रूर देखी होंगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही भगवान की कथाएं, भगवान की लीलाएं हम आपको श्रवण कराते रहेंगे। मित्रों, हम सभी लोग रात्रि में सोते हैं और सोने के बाद स्वप्न देखते हैं। और मैं आपको बता दूं कि स्वप्न का किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से संबंध अवश्य होता है। स्वप्न या तो हमारे पूर्व जन्म के बारे में या भूत भविष्य या वर्तमान के बारे में हमें सूचना देता है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि किन किन चीज़ों को स्वप्न में देखने से असल जीवन में धन का लाभ होता है। सबसे पहली चीज़ है अंगूठी पहनना। यदि हम स्वप्न में देखें कि हम अंगूठी पहन रहे हैं या फिर किसी को पहनता हुआ देख रहे हैं तो हमें धन का लाभ होगा। दूसरी चीज़ है इमारत बनाना। यदि हम स्वप्न में देखते हैं कि हम कोई इमारत या कोई घर बना रहे हैं तो इसका मतलब हम असल जीवन में अपने कार्य पर प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और हमें तरक्की की प्राप्ति होगी। यदि स्वप्न में ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे कार्य में तरक्की होती है और हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है। स्वप्न में समुद्र देखने से धन का लाभ होता है। हरा भरा बाग देखने से भी हमारे जीवन में खुशहाली आती है और हमें धन की प्राप्ति होती है। यदि हम स्वप्न में नृत्य देखते हैं, नृत्य चलता हुआ देखते हैं या हम स्वयं नृत्य करते हैं तो इससे भी धन का लाभ होता है। यदि हम स्वप्न में यात्रा करते हैं उससे धन की प्राप्ति होती है। यदि हम स्वप्न में देखते हैं कि लंगर चल रहा है या फिर हम लंगर में प्रसाद वितरण कर रहे हैं तो इससे भी हमें असल जीवन में धन की प्राप्ति होती है और सुख शांति का आभास होता है। मित्रों, स्वप्न में मोर को नाचता हुआ देखना या फिर मोर को देखना अति शुभ माना जाता है। मोर को स्वप्न में देखने से असल जीवन में धन की प्राप्ति होती है। यदि हम स्वप्न में तराजू या ताश को देखते हैं तो इससे हमारे व्यापार में उन्नति की प्राप्ति होती है। मित्रों, हम अक्सर अपने स्वप्न में छिपकली को देख लेते हैं और छिपकली को देख के हमें भय का आभास होता है, परंतु स्वप्न में छिपकली देखना अति शुभ माना जाता है। छिपकली को स्वप्न में देखने से अचानक रुका हुआ धन या फिर कहीं ऐसी जगह से अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं था। यदि हम स्वप्न में विदाई देखते हैं, किसी दुल्हन की विदाई देखते हैं तो इससे भी हमें धन की प्राप्ति होती है और ये अत्यंत शुभ फल माना जाता है। स्वप्न में कब्रिस्तान देखने से हमारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान की वृद्धि होती है। यदि आप स्वप्न में घर बना रहे हैं तो इससे आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। मित्रों, स्वप्न में गरीबी देखना असल जीवन में सुख समृद्धि की सूचक होती है। यदि आपने स्वप्न में चोर देखा है तो इससे भी आपको असल जीवन में धन का लाभ होगा। मित्रों, कढ़ाई करते हुए देखना, अर्थी देखना, अर्थी को जाते हुए देखना, झंडा देखना या तोता देखना भी धन का सूचक होता है। इन स्वप्नों को देखने से धन का लाभ होता है। और मित्रों, कई बार हमें अपने स्वप्न में बहुत भयानक चीज़ें दिखाई पड़ती है, उन्हीं में से एक है जिंदा जलना। यदि हम स्वप्न में अपने आप को जिंदा जलता हुआ देखते हैं तो इससे भी असल जीवन में हमें धन का लाभ होता है। यह स्वप्न अत्यंत शुभ माना जाता है। तो मित्रों, यह थी जानकारी कि स्वप्न में क्या देखने से असल जीवन में हमें धन का लाभ होता है। और यदि आप आगे भी ऐसे ही स्वप्न से जुड़ी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कथाएँ देखना चाहते हैं, कोई धार्मिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।